तो अभी आप देखे ये नदी में बहुत सारे बोल्डर्स हैं, है ना, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ा बोल्डर आप देख सकते हैं, तो ये पहले से नहीं है, ये नदी इसको लेके आया है, है ना। तो अभी सवाल उठता है कि ये नदी इतने बड़े बड़े जो पत्थर को कैसे लेके जा सकता है, अब पानी तो कम है, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स कैसे इधर आ गए हैं, है ना। तो आप सोच रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर सिलीगुड़ी के पास दुधिया नदी के पास में हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, जब इसमें पानी भर जाता है ना, तो ये पूरे पत्थर जो है डूब जाते हैं। तो जब पत्थर डूब जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाते हैं, तो अपथ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है अपथ्रस्ट, क्योंकि ये पानी में डूबे रहते हैं, तो उसकी वजह से इनका वज़न कम हो जाता है। दिस बोल्डर्स विल लूज वेट बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, है ना। तो इसलिए ये लाइट हो जाते हैं, इनका वज़न कम हो जाता है, तो अपरेंट वेट इसका कम हो जाता है। तो इसलिए जब बाढ़ आ जाता है तो बड़ा ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये पत्थर को आसानी से पानी आगे लेके जा सकता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है अपथ्रस्ट का, ठीक है। तो ड्यू टू अपथ्रस्ट बॉडी लूजेस वेट, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए आप आगे देखिए, पहाड़ है, तो ये पहाड़ से ये पत्थर इधर तक आए हैं। तो कैसे आए, क्योंकि ये बहुत इनका वज़न कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, है ना। तो इसलिए ये आगे तक जा सकते हैं, पानी इसको ले जा सकते हैं। इसलिए हेवी बोल्डर्स कैन बी कैरिड आउट और कैरिड अवे विथ वाटर और कैरिड अवे बाय वाटर बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, ड्यू टू अपथ्रस्ट दे लूज वेट, ना। तो ये सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।